सुबह उठने के साथ और रात सोने से पहले अक्सर हम अपने आप को फोन के सेल्फी कैमरा में निहारते हैं। आदत तो ये हो गई है कि सुबह खिलखिलाता हुआ चेहरा और शाम को दमकती सेल्फी ना मिले तो पूरा दिन खराब लगता है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और आज के इस वीडियो में मेरे पास है ओप्पो का ऑल न्यू स्मार्टफोन ओप्पो रिनो 8 प्रो द पोर्ट्रेट एक्सपर्ट, जिसमें ना केवल बेहतरीन रियर कैमरा सेटअप और सेल्फी कैमरा है, बाकी सारे फीचर्स भी इसके ऐसे हैं जो इसको बनाते हैं आपका नेक्स्ट फोन। आज की इस वीडियो में मैं स्मार्टफोन के साथ पूरा दिन बिताने वाला हूं। हम अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे और आप और हम मिलकर करेंगे स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट और इसके डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में भी बारीकी से बात करने वाले हैं। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी देखेंगे स्मार्टफोन की बैटरी कितना लास्ट करती है और वो कौन से फीचर्स हैं जो बनाते हैं इसको द अल्टीमेट परफॉर्मर। लेकिन ये सब होगा वाइल एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल सिटी। एंड मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक जरूर रहें, क्योंकि हम यहाँ पर गिव अवे लेकर आए हैं और उसके कुछ नए रूल्स हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहते हैं कि कुछ भी अच्छा काम करने से पहले पेट पूजा जरूरी है और इसीलिए मैं आ गया हूँ साउथ दिल्ली के इस ब्रेकफास्ट जॉइंट पे, जहाँ पर सबसे पहले आई विल हैव सम फूड एंड ऑल्सो टेक सम गुड पिक्चर्स इन इंडोर लाइटिंग। सो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग माई डे फ्रॉम हियर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फोन की बैटरी फिलहाल 97% है। काफी देर से पिक्चर्स में क्लिक कर रहा था, बावजूद इसके केवल 3% यहाँ पे ड्रॉप हुई है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि फोन की जो बैटरी है कंप्लीटली कितनी यहाँ पर ड्रेन होती है। सो ब्रेकफास्ट काफ़ी फीलिंग था एंड फोटोज भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ फ्री आई हैं, विच मेक्स अ गुड स्टार्ट टू द डे। एंड इट्स नो सरप्राइज राइट, बिकॉज द ओप्पो रिनो 8 प्रो इज लोडेड विद सम ब्रिलियंट कैमरा फीचर्स। ओप्पो रिनो 8 प्रो में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप सोनी IMX766 सेंसर है विद F1.8 अपर्चर। इसी के साथ एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस लगा है विद 112 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू एंड F2.2 अपर्चर, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस लगा है विद F2.4 एपर्चर। साथ ही कैमरा मॉड्यूल पर अगर आप ध्यान देंगे तो नॉर्मल फ्लैशलाइट की जगह यहां पर रिंग फ्लैशलाइट दी गई है, जो कि एस्थेटिकली भी फोन को काफी स्टाइलिश बना देती है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लोकेशन नाउ। सो गाइज वी आर एट द सेकेंड लोकेशन ऑफ द डे। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन ये जो लोकेशन है बहुत ही कैमरा फ्रेंडली है। इसका नाम है दी लोधी कॉलोनी और यहाँ पर हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेंगे ओप्पो रेनो 8 प्रो के साथ। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं इस पिक्चर वाले सफर पर। इसके अलावा फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप सोनी IMX709 सेंसर लगा है विद F2.4 एपर्चर। द फोन ऑल्सो फीचर्स ओप्पो का होमग्रोन मेरी सिलिकन एक्स इमेजिंग NPU, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट 6nm इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। फ्लैगशिप सेंसर्स के साथ मिलकर ये फोन की एंड टू एंड इमेजिंग प्रोसेस को भी काफी ज्यादा बेहतर बना देता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दिल्ली के एक बेहद ही खूबसूरत हेरिटेज स्पॉट डियर पार्क में, वेयर आई एम गोइंग टू डू अ डिटेल फोटो वॉक। और ये काफी ज्यादा डाइवर्स लोकेशन है, देयर इज अ ब्यूटीफुल कंट्रास्ट बिटवीन द हिस्टोरिकल पास्ट एंड द करंट सिटी। और यहाँ पर हमें अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोस देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आई एम गोइंग टू टेस्ट द कैमरा स्पेक्स ऑफ द ओप्पो रेनो 8 प्रो। डियर पार्क जाना जाता है अपनी ग्रीनरी, ठंडी हवा, कई सारे जॉगर्स और कुछ ओल्ड एंड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिए, जो कि दिल्ली की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हियर वी विल टेक सम पिक्चर्स विद द फ्रंट कैमरा which has the portrait feature with flagship Sony IMX709 with autofocus. So दोस्तों portrait pictures काफी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत निकल करके आई हैं। The colors look realistic and the pictures are sharp and clear.
ऑल्सो यहाँ पर एक चीज जो मैंने यहाँ पर ध्यान दी है वो ये है कि जो डिस्प्ले है स्मार्टफोन की उसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पर काफी सही है, तो डल ये आउटडोर कंडीशंस में बिल्कुल नहीं लगती है। हार्श सनलाइट के बावजूद भी फोन ने अच्छी सेल्फीज यहाँ पर निकाल करके दी हैं, चाहे यहाँ पर अगेंस्ट द लाइट वाली सेल्फी हो या फिर लाइट की डायरेक्शन में ली गई सेल्फी हो, दोनों ही तरह के सिनेरियोज में आपको कोई भी इशू यहाँ पर फेस नहीं होगा। रही बात वीडियोज की, तो एज यू कैन सी रियर कैमरा वीडियोज काफी सही निकल करके आई है। इसने एक्यूरेटली डिटेलिंग को मेंटेन किया है, शार्पनेस काफी सही है एंड लाइट ऑल्सो मेंटेन है। स्पेशली फोन पर मिलने वाली मेरी सिलिकन एक्स इमेजिंग टेक्नोलॉजीज helping out the phone to capture ultra HD 4K videos. So दोस्तों by now इतनी सारी pictures देखकर आप समझ ही गए होंगे कि स्मार्टफोन का कैमरा कितना ज्यादा पावरफुल है। अब चलते हैं अपने स्टूडियो की ओर और करते हैं स्मार्टफोन का गेमिंग एंड बेंचमार्क टेस्ट एंड बात करते हैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि इसका डिजाइन, डिस्प्ले और बाकी चीजें। तो दोस्तों फाइनली मैं स्टूडियो में आ चुका हूं और सबसे पहले आपको स्मार्टफोन के डिजाइन से रूबरू करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपके पास एक शानदार दिखने वाला डिवाइस होता है तो आप उसको कंफर्टेबली लंबे समय तक यूज कर पाते हैं, आप उस डिवाइस को यूज करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और तब तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है जब लोग आपसे पूछते हैं कि भाई ये कौन सा फोन है, इसका डिजाइन तो बड़ा शानदार है। The Oppo Reno 8 Pro comes with a fresh new look inspired by Oppo's iconic streamlined unibody design. ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि ये डिवाइस का डिजाइन गोल्डन रेशियो फ्रॉम सेक्रेट ज्योमेट्री से इंस्पायर्ड है। द गोल्डन रेशियो 1:618 का है जिसे आर्किटेक्चर में भी यूज किया जाता है टू गिव परफेक्ट प्रोपोर्शंस, जैसे कि ताजमहल है या फिर ग्रेट पिरामिड्स। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इसे एक पीस ऑफ आर्ट की तरह डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि फोन के बैक पर देयर इज नो कैमरा बम्प। यस, यू हर्ड इट राइट, यहां कोई कैमरा बम्प नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन के पूरे बैक पैनल को एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास से क्राफ्ट किया गया है और इसी में विद एन आर्क कैमराज को इंटीग्रेट किया गया है। बैक पैनल को क्राफ्ट करने के लिए हीट फोर्ज एंड हाई प्रेशर मोल्डेड टेक्निक का यूज करके ये सॉफ्ट कर्व्स दिए गए हैं। स्ट्रीमलाइन यूनिबॉडी डिजाइन न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि इट ऑल्सो फील्स गुड टू होल्ड एंड इसी की वजह से कैमरा सेंसर्स के अराउंड डस्ट भी इकट्ठा नहीं होती है। ये ग्लेज ग्रीन कलर है, इसके अलावा फोन ग्लेज ब्लैक कलर में भी आता है। दोनों ही कलर सॉलिड है विद अ मिनिमलिस्ट डिजाइन और इससे आपके फोन को प्रीमियम लुक भी मिलती है। ऑल्सो ओप्पो रेनो 8 प्रो ओप्पो रेनो सीरीज का अभी तक का सबसे स्लिम स्मार्टफोन है। ये केवल 7.34 mm थिक है और वेट के मामले में भी काफी हल्का है, यानी कि आप लंबे समय तक फोन को हाथ में रखेंगे भी या होल्ड भी करेंगे तो भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। डिजाइन के बाद डिस्प्ले के मामले में भी स्मार्टफोन टॉप नॉच है। इस पर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई फेवरेट शो देख रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो, ओप्पो रेनो 8 प्रो की डिस्प्ले को लेकर आपको फिकर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस फोन में आपको 6.7 इंचेस की अल्ट्रा क्लियर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद सुपर स्मूथ 120 हर्ट्ज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट। ऑल्सो द डिस्प्ले इज HDR10+ SGS लो मोशन ब्लर एंड SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड, विच मीन्स की सुपर फास्ट मूवी सीन में भी आपको बिल्कुल भी ब्लर देखने के लिए नहीं मिलेगा और डिस्प्ले से निकलने वाली हार्मफुल ब्लू लाइट भी यहाँ पर काफी कम है। एंड अगर आप मेरी तरह एक मूवी बफ है या फिर आपका मोस्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट यूट्यूब से आता है तब तो यू डेफिनेटली नीड अ स्मार्टफोन विद गुड डिस्प्ले एंड दिस स्मार्टफोन इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर डिस्प्ले विजुअल नीड्स। ये Amazon HDR और Netflix HD सर्टिफाइड भी है, मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस प्राइम वीडियोस और Netflix पर आप हाई क्वालिटी कंटेंट को इस फोन पर स्ट्रीम कर पाएंगे। स्मार्टफोन में Oven Ultra Vision इंजन लगा है जो स्पेशली जब आप YouTube या फिर Instagram पर कुछ देख रहे होते हैं तो वीडियो क्वालिटी को ज्यादा शार्प और विविड बना देता है। इट कैन अपस्केल द 540 पिक्सल्स वीडियो टू अप टू 1080 पिक्सल्स और ये मोड्स आप खुद से फोन की सेटिंग्स पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिजाइन एंड डिस्प्ले के बाद अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओप्पो रेनो 8 प्रो में फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर लगा है जो कि आपको एक स्मूथ एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। इट इज बेस्ड ऑन कस्टमाइज्ड मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 मैक्स SoC जो कि एक 5G चिपसेट है। ये 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना है विच मीन्स टॉप परफॉर्मेंस के साथ काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। ये डायमेंसिटी 1200 मैक्स से 12% ज्यादा CPU परफॉर्मेंस, 29% ज्यादा GPU परफॉर्मेंस, 175% ज्यादा AI परफॉर्मेंस एंड अप टू 50% पावर एफिशिएंसी का भरोसा देता है और ये सब बातें इसका एंटूटू स्कोर भी प्रूव करता है। एंड OS एंड UI के मामले में भी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 मिलता है जिस पर कलर OS 12.1 की स्किन लगी है जो कि आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड और सिक्योर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें आपको काफी यूनिक और काम के फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि एयर जेस्टर्स कंट्रोल, मल्टी स्क्रीन कनेक्ट और बहुत सारे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स। ColorOS 12.1 में आपको Oppo का Omoji फीचर भी मिलता है जिससे आप अपना पर्सनलाइज्ड Omoji भी बना सकते हैं।
मोस्टली स्मार्टफोन्स या तो कैमरा सेंट्रिक होते हैं या फिर परफॉर्मेंस और गेमिंग सेंट्रिक, लेकिन ओप्पो रिनो 8 प्रो में आपको बेहतर कैमरा के साथ स्मूथ परफॉर्मेंस और गेमिंग भी मिलती है। पबजी में मैसिव 90 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे कि आपको काफी स्मूथ और फ्लॉलेस गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी लगी है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेशन फीडबैक देती है, एंड यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द वाइब्रेशन फीडबैक फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। ऑल्सो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, जो कि आपको काफी रियल सिनेरियोज का फील कराते हैं। साउंड इतनी अच्छी है कि गेमिंग के दौरान ईयरफोन की रिक्वायरमेंट भी शायद ही होगी। और सबसे खास बात, सीरियस गेमर्स के लिए ओप्पो रिनो 8 प्रो में अल्ट्रा कंडक्टिव ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम लगा है, जो कि एयरक्राफ्ट ग्रेड है विद हाई मॉलिक्यूलर मटेरियल, जो थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि लंबी गेमिंग में भी फोन कूल रहता है और बहुत ज्यादा स्टेबलाइज यहां पर आपको मिलता है। ओप्पो रिनो 8 प्रो केवल एक स्टोरेज वेरियंट में आता है, 12GB रैम प्लस 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा आपको एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम फीचर भी मिल जाता है, जहां आप इंटरनल मेमोरी को यूज करके रैम बढ़ा सकते हैं। आप फोन पर मल्टीटास्किंग कर रहे हो या फिर हैवी गेमिंग कर रहे हो, आपको परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी यहां पर नहीं लगती है और फोन जो है वो लैग भी नहीं होता है। शाम के 7 बज चुके हैं, सुबह से इस फोन को हम यूज कर रहे हैं। लेट्स डू अ क्विक बैटरी चेक नाउ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर दिन खत्म होने को है, लेकिन फोन की जो बैटरी है वो अभी भी 33% बची है, विच इज एक्चुअली अ गुड नंबर। इतना हमने फोन यूज किया है इसके बावजूद। आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें 4500 mAh की बैटरी दी है विद 80W सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट, जिससे केवल 11 मिनट्स में आप अपने फोन को 50% तक चार्ज कर सकते हैं। यानी कि हैवी यूज के बाद भी 11 मिनट की चार्जिंग में आप हाफ डे से ज्यादा का बैटरी बैकअप पा सकते हैं। और ओप्पो के बैटरी हेल्थ इंजन की वजह से आपके जो फोन की बैटरी है वो भी काफी लंबी चलती है, विच मींस कि चार्जिंग के दौरान आपके फोन की जो बैटरी है वो डिग्रेड नहीं होगी। इनफैक्ट यहां मैं आपको बता दूं कि कंपनी की ये बैटरी एवरेज यूसेज में 4 साल तक आपका साथ निभाने का दम रखती है विद 1600 चार्जिंग साइकिल्स। आई नो सनडाउन हो चुका है एंड यू गाइस आर वंडरिंग कि मेरा आज का दिन यही खत्म होने वाला है। मी एंड माय टीम आर नाउ हेडिंग टू टेस्ट द लो लाइट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिवाइस एट वन ऑफ दिल्लीज ऑफ पीट पार्क वेस्ट टू वंडर्स। मैं आ गया हूँ दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में, जिसमें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। जी हाँ, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हमारे अपने शहर में। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सब वेस्ट मटीरियल को रिसाइकिल करके बनाए हुए हैं और ये है हमारा आज का नाइट फोटोग्राफी स्पॉट। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ओप्पो रिनो 8 प्रो के कैमरा के साथ सबसे बड़ी इनोवेशन ये है कि इसमें अल्ट्रा क्लियर इमेजिंग NPU मेरे सिलिकन X लगा है। इस प्रोसेसर की AI कंप्यूटिंग पावर 18 टॉप्स है, विच इज एक्चुअली हायर देन एप्पल्स A15 15.8 टॉप्स। ये 4K 30fps वीडियो पर कमाल का नॉइज रिडक्शन करता है, मतलब नाइट में भी ओप्पो रिनो 8 प्रो से आप 4K अल्ट्रा नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। As compared to the 4K videos recorded in the daylight, आप देख सकते हैं कि रात में भी videos में noise ना के बराबर है। Not only videos, you can also have a look over these days and night portrait shot. शायद इसीलिए इस फोन को the portrait expert कहा गया है, and that brings us to the end of this camera segment. So, दोस्तों फाइनली आज का दिन खत्म हुआ। वी हैव एक्सप्लोर्ड द होल सिटी विद दिस न्यू डिवाइस ओप्पो रिनो 8 प्रो। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि दिन हो रात हो धूप हो छाव हो, हर सिनेरियो की पिक्चर्स मैं आपको इस फोन से क्लिक करके दिखाऊंगा। एंड आफ्टर एनालाइजिंग दूस पिक्चर्स, हम कह सकते हैं कि ओप्पो रिनो 8 प्रो का जो कैमरा है वो काफी कमाल का आउटपुट यहां पर देता है, बल्कि यहां पर मैं कहूंगा कि पूरा फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस आपको इससे मिल जाता है। बात आती है वर्डिक्ट की, तो रिनो 8 प्रो ओप्पो की बेस्ट रिनो सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि ओप्पो की मेरिसिलिकन X इमेजिंग NPU के साथ आता है, जिससे कि फोन की कैमरा कैपेबिलिटीज नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं। अच्छी पोर्ट्रेट एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही यहाँ पर ये स्मार्टफोन एक यूनिक डिजाइन, पावरफुल प्रोसेसर एंड बैटरी और चार्जिंग में भी कमाल फीचर्स के साथ आता है। ओप्पो ने इस फोन में इतने यूनिक एलिमेंट्स डाले हैं कि आज का दिन भी इस फोन के साथ कम लग रहा है। ओप्पो रिनो 8 प्रो का प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आई थिंक एट दिस प्राइस दिस डिवाइस गिव्स यू द बेस्ट एक्सपीरियंस। नाउ कमिंग टू द गिव अवे, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में प्रॉमिस भी किया था, इस बार हमने रूल्स को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है। आपको करना यह है, आपको हमें बताना है कि अगर आपके पास ओप्पो रिनो 8 प्रो होता तो आप इसके साथ सबसे पहली चीज क्या करते, उसी कमेंट में आपको ऐड करना है #91mobilesgiveaway और हमें फॉलो करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। लास्टली आपको हमें सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल पर, एंड उनमें से 2 लकी विनर्स को यहां पर मिलने वाले हैं
5000 के Amazon गिफ्ट वाउचर। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट दिस न्यू स्मार्टफोन Oppo Reno 8 Pro। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।